और यहाँ पे जो आम कार्यकर्ताओं को 70,000 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था वो लोग आए हैं, उनको बैठाया गया है। इसके भाई हमारा कार्य जो था हमने किया, हम लोग तो जन्मजात हैं, हम लोग दिखावे वाले आदमी नहीं, फोटो वाले आदमी नहीं हैं कि हमारा फोटो खींचा जाए, इसलिए हम नहीं गए। बस हमें जो कार्य करना है राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं। भी सबका निमंत्रण आया था, हमारा निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। बात बहुत साफ है, बिल्कुल सही बात। हमने देखा इसमें जितने लोग गए हैं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अखिलेश से भी पैसा ले चुके हैं। हम फोटो दिखा सकते हैं, हम लोग तो ऐसा है, ऐसे है नहीं कि दो प्रकार के कार्य करें। ज़्यादातर इसमें सपाई लोग हैं, एक एक का नाम क्या गिनाऊं मैं, तो हम ऐसे लोगों में से तो है नहीं। लोगों ने कहा आप आइए, वहाँ पास दिलाए, हमने कहा ऐसे कैसे हम आए, किसी को नहीं मिलता पास तो हम भी क्या समझते नहीं मिला है, ऐसे ही चले जाते। बुलावा पर जब देखा पास मिला है तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, अच्छा लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा इसलिए नहीं बुलाया। देखिए ऐसा है कि पिछली बार 2017 में भी जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया था उस समय भी मुझको नहीं बुलाया गया था, और इस बार भी जब शपथ ली गई तो शपथ लेने के लिए आज 25 मार्च को अयोध्या के कुछ संत लोग जा रहे थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि वेदांती जी आप चल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई सूचना नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन में नहीं थे ऐसे लोगों को तो आमंत्रण दिया गया, लेकिन जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे, तन मन धन से लगे हुए थे, पूज्य रूपाल दास जी, उनके शिष्य कमल नयन दास जी और कई ऐसे संत लोग थे जिनका नाम छूट गया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जानकारी नहीं होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुन चुन करके जो सपा के थे, जो बसपा के थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उनको टिकट दिया गया, ठीक उसी प्रकार से चुने हुए लोगों को इस मंत्रिमंडल की शपथ में भी बुलाया गया है।